हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू रितेश क्रिएशंस। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थ मैनिपुलेशन का फोटो बनाया था एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो था। एंड गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इसी से रिलेटेड फोटो बनाने वाले हैं, सेम उसी कंडीशन में जिसमें कि हमारा जो फेस है वो ब्लर रहेगा। एंड गाइस, इस वीडियो की बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंस्टाग्राम पर, अगर आप देखेंगे ये फोटो काफी वायरल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम इस कमाल के फोटो को बनाने स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, हाँ, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया नहीं था कि उसमें जो लाइट रूम का पार्ट था वो स्पेशल था, तो सेम इसी वीडियो में भी आपको लाइट रूम का पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस फोटो को देखें तो आपको इसमें कुछ पार्ट डीसेचुरेट मिलेंगे एंड उसे हम लाइट रूम में कैसे करेंगे, तो उसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो यार ये कोई कहने वाली बात नहीं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जो लोग नए हैं भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको इस फोटो को बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से फोटो खिंचा लेना है। एंड मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि आप मैनुअली ब्लर से अपने फेस को कैसे ब्लर कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैं इस फोटो को यहाँ से सेंड करके ओपन कर लूंगा अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए, हमारी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटो को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो लाइट रूम की जितनी भी कलर एडिटिंग होगी वो बाद में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक फायर का यहाँ पर पीएनजी ले लूंगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो आप कुछ इसे नॉर्मली कुछ इस तरीके से लगा देंगे अपने फोन के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फोन के ऊपर ये लग चुका है। इसे हम ऐसे कर देंगे डन। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो अपने मोबाइल का पीएनजी निकाल सकते हैं या आईफोन का किसी का भी, या फिर जो पीएनजी मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ आप इस पीएनजी को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके का ये फ़ोन है, ये मेरा शाओमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 5 प्रो। एंड मुझे कमेंट में अगर बता और दीजिए कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर लग चुका है, इसे हम यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद देखिए, दोबारा से ऐड फोटो पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप दोबारा से देखिए ये एक पीएनजी मिल जाएगा आपको, स्मोक का पीएनजी है जो कि, तो आपको इसे कुछ इस तरीके से लगा देना है अपने फोटो के ऊपर एंड ये एक रियल लुक देगा आपके फोटो में। एंड गाइस, अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फोटो में जैसे कि फायर निकल रही है, तो कुछ जो आग होती है वो उड़ के भी जाएगी दूर तक, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए इस वाले पीएनजी का यूज़ कर लेंगे एंड इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये फोटो एकदम रियल सा लगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। एंड इसके बाद आप देखिए, इसमें एक टेक्स्ट पीएनजी लगा देंगे जो कि क्रिएटिविटी को शो करेगा कि हाँ भाई हमारा फोटो कितना क्रिएटिव है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट पीएनजी को लगा दिया एंड अब हम इस फोटो को यहाँ से कर देंगे डन। तो अब आप देखेंगे, देखिए फोटो मैनिपुलेट तो हो गया है लेकिन अभी वैसा एडिट नहीं हुआ है जैसा कि हमें चाहिए। तो सिंपली आप इसे सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेंगे एंड ओपन कर लेंगे अपनी फेवरेट एप्लीकेशन लाइट रूम में। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो लाइट रूम एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। एंड सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको देखिए इस ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से सबसे पहले आप फोटो के जो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा आपके जो डार्क पार्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा मतलब कि चमकदार हो जाएंगे। इसके बाद आप इसके हाईलाइट्स को कर देंगे कम, शेडोज़ को भी कम कर देंगे, वाइट्स को भी कम कर देंगे एंड यहाँ से आप इसकी ब्लैक्स को भी कम कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे नीचे कलर टूल में एंड यहाँ पर जो कि मैंने बताया था आपको सबसे स्पेशल, आपको क्या करना है, आपको सारे कलर्स की जो सेचुरेशन है वो कम कर देनी है सिवाय ब्लू और रेड कलर के। देखिए, जैसे कि ये येलो कलर है, इसकी सेचुरेशन आप यहाँ से कर देंगे कम, या फिर ग्रीन कलर इसकी सेचुरेशन कम, इसकी सेचुरेशन भी आप यहाँ से कम, इसका ह्यू चेंज करेंगे बस सेचुरेशन कम नहीं करेंगे, इस कलर की भी सेचुरेशन कम और इस कलर की भी सेचुरेशन यहाँ से कर देंगे कम। एंड इसके बाद जो ऑरेंज कलर है उसको आपको क्या करना है, इसकी ह्यू को आप ले जाएंगे इधर की तरफ एंड आप इसकी लुमिनियंस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को भी करेंगे हल्का सा कम। एंड इसके बाद ऑरेंज कलर जो है, इस ऑरेंज कलर की ह्यू को चेंज करेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेंगे ताकि फोटो में एक अलग टोन आ जाए। तो अब आप देखेंगे अभी तक हमारा जो कलर टोन है वो कैसा हो चुका है सिर्फ दो चीज़ों को छेड़ने से। इसके बाद आप फोटो की वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को यहाँ से करेंगे कम, ज़्यादा कम नहीं करेंगे एंड इसके बाद फोटो के टेंट को हल्का सा बढ़ा देंगे एंड फोटो के टेम्परेचर को भी एक या दो यहाँ से बढ़ा देंगे ताकि हमारा जो फोटो है वो एक वार्म फोटो दिखाई दे। इसके बाद यहाँ से विग्नेट टूल में आ जाएंगे एंड फोटो का जो विग्नेट है वो आप यहाँ से कर देंगे कम, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो टेक्स्ट पीएनजी है वो ज़्यादा हाईलाइट हो एंड हमारा जो फोन है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। एंड फोटो की क्लैरिटी को बढ़ा देंगे जिससे कि जो फोटो के जो डार्क पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाए एंड फोटो को हल्का सा डिहेज और कर देंगे गाइस, जी हाँ हल्का सा डिहेज कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ से देखिए मिड पॉइंट को देख लेंगे एंड फेदर को देख लेंगे, आप इसके राउंडनेस देख लेंगे राउंडनेस कितनी रखनी है एंड आप इसमें हल्का सा गेन अमाउंट भी दे देंगे फोटो को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। इसके बाद आप इसमें शार्पनिंग देखेंगे, शार्पनिंग का भी थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ कर देंगे एंड इसके बाद
एंड गाइज मैंने जो भी स्टेप्स किए आपको सिंपली इनको बस फॉलो करना है एंड आपका कर जो फोटो का टोन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पिक्सार्ट में कुछ इस तरीके से बनाता है। लाइट रूम में हमने जो कलर टोन दिए उनसे हमारा फोटो कैसा स्पेशल हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि फोटो की जो क्लैरिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि फोटो जो है लाइट रूम हमारा नहीं फटता है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड फोटो को सेव टू डिवाइस कर देंगे एंड आपका जो फोटो है वो HD में सेव हो जाएगा। सो गाइज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज पिछली वीडियो में एक दो ने बोला था कि भाई मजा नहीं आया, तो इस बार वो लोग मुझे बताएं कि इस फोटो में आपको मजा आया या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।